ब्रह्मपुरी इलाके में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामला, पुलिस को लगी सफलता हाथ। आरोपी ममेरा भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसीपी आमिर चंद्र सिंह रावत कर रहे मामले की जांच। जयपुर राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरे मामले में बच्ची के ममेरे भाई को पुलिस ने कड़ी मेहनत कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं पूरे मामले की जांच एसीपी आमिर चंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। एसीपी चंद्र सिंह रावत ने इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि कल एक बच्ची अपनी बुआ और पिता के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंची थी और बताया कि किस तरह से उसके मेरे भाई ने उसके साथ जो हरकत की, बच्ची को फौरन मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह की वारदात सामने आने के बाद विशेष टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। 5 साल की बच्ची वैसे जयसिंहपुर अखोर की रहने वाली है। वो अपने ननियाल अपनी नानी जी को कैंसर पीड़ित है, उस नानी जी से मिलने के लिए अपने माँ और बुआ के साथ आई थी। रात की 10-10:30 बजे के आसपास ब्रह्मपुरी थाने पर बच्ची और उसकी बुआ जी आई थी और कहा कि बच्ची के साथ उसके मामे के लड़के ने किसी प्रकार कोई दुष्कर्म या जो भी गलत काम किया है। इस बात को लेकर के तुरंत है जो मेडिकल मुआयना है तो SMS मेडिकल बोर्ड गठित करा करके उसका मेडिकल मुआयना कराया गया और मेडिकल मुआयना कराने के बाद में रात को ही टीम गठित करके आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के आगे बयान व्यान की कार्रवाई की जा रही है और मुलजिम का भी मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। बच्ची थाने पे इसकी बुआ जी के साथ राजीव खुशी पहुंची थी। बच्ची के कपड़ों के ब्लड लगा हुआ था और फिर तुरंत है जो SHO ब्रह्मपुरी हॉस्पिटल लेके पहुंचे, मैं भी हॉस्पिटल लेके पहुंच गए और मेडिकल बोर्ड हमारे DCP साहब को मेडिकल बोर्ड गठित करवा करके और हमने तुरंत मेडिकल की कार्रवाई करवा दी।